नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बीके स्टडी पर फाफा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस सी एफ का ट्रिक चल रहा था। तो दोस्तों ऐसे एस सी एफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक चलेगा, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, या घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही पूछता है। तो अब दोस्तों शुरू करेंगे कि प्रतिदिन दो तीन ट्रिक ऐसे आपको बताएंगे जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन अगर लगातार आता है, जैसे एस सी एफ और एल सी एम से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो टाइप भी हो जाएगा आपका कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हो, टाइप भी हो जाएगा और ट्रिक हो जाएगा तो उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का टाइप क्या है। आज का फर्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या पहले, तो फर्स्ट ट्रिक है और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फर्स्ट टाइप का फर्स्ट ट्रिक में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पहला कर है दो संख्याओं का महत्व तथा लसा क्रमशः 12 और 396 है, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है, इसका ट्रिक क्या होता है पहले देख लीजिए, इसका ट्रिक होता है इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ट्रिक होगा दोस्तों इसको हम इधर कर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे होता है इसका फार्मूला होता है दोस्तों है कि पहली संख्या बराबर लसा गुणे महत्व, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल लसा गुणे महत्व। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, एग्जाम में पूछा ही हुआ क्वेश्चन दोनों जो दिख रहा है एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूछ चुका है। तो दोस्तों इसे क्वेश्चन आता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस फॉर्मूले द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का महत्व तथा लसा दे दिया है, यहाँ पे आपको एच सी एफ दे दिया है, एच सी एफ दिया है वो क्या है दोस्तों, एच सी एफ आपका 12 दे दिया है और यहाँ पे एल सी एम दे दिया है, तो एल सी एम क्या दिया है दोस्तों, एल सी एम 396 दे दिया है, एस सी एफ 12 दिया, एल सी एम 396 दिया, यदि उनमें से एक संख्या दिया है तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको मान लेंगे पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या का अपयक्ष मान लीजिए, पहली संख्या 36 है दूसरी संख्या का अपयक्ष मान लीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 36 गुणे x हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 12 गुणे 396, तो हो जाएगा x इक्वल 12 गुणे 396, जब करेंगे तो अपान 36 हो जाएगा, क्योंकि x का जो गुणांक होता है वो जो राइट साइड में जिसमें होता है तो उसमें डिवाइड हो जाता है, तो 12 3 36 हो जाएगा 3 और 3 3 3 9 3 1 3 2 6, तो दूसरी संख्या क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे x का मान आ गया 132, दूसरी संख्या क्या हो गई दोस्तों, दूसरी संख्या आपकी 132 हो गई। इतना क्लियर हो गया, पहली संख्या दिया दूसरी संख्या दिया, इसमें पहली संख्या दिया और दूसरी संख्या दिया, अगला सब पूछते हैं तो क्या करते हैं इस पे हम देख लेते हैं क्या करते हैं, इसमें पहली संख्या दिया लसक हुआ और मसब दिया तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लिए, अगर दूसरी संख्या दिया और लसक मसब दिया तो पहली संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो आपको क्लियर होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर होगा तो हम इसको इरेजर करते हैं दोस्तों। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों, 1000 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दे दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दे दिया है, क्या दिया है दोस्तों 1000, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान 1000 दिया है, यदि उनमें से मौसा 5 हो, मौसा दे दिया मतलब एच सी एफ दे दिया, एच सी एफ क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है, यदि एच सी एफ 5 हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है दोस्तों एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आप नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला बता दे रहा है क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल लसा गुणे मसा होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दे दिया 1000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, लसा गुणे मसा होता है मतलब लसा का मान मान लीजिए आप x है, एलसीएम मान लीजिए एक्स है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम कीजिए तो 5 × 5 एक्स कर दीजिए। अब इसको जब करेंगे दोस्तों तो आप इधर लिख सकते हैं 5x = 1000 लिख सकते हैं इसको, और एक्स का मान जब ज्ञात करने के लिए होता है तो एक्स का गुणांक जो होता है उसमें क्या करते हैं राइट साइड में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं दोस्तों 5x है जो एक्स का गुणांक होता है उससे हम उसके अपोजिट साइड वाले में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स इक्वल कर देंगे 1000 × 5, 5 × 2 = 10, 200, तो x बराबर आ गया दोस्तों 200, तो इसका आप क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया है इसमें किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया तो गुणनफल आपको पता था मसा 5 हो गया, इसका लसा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लसा 200 हो जाएगा। इसको फास्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का लसा और मसा दे दिया, मसा और लसा दे दिया तो आप क्या करेंगे, दो संख्याओं का मसा लसा दे दिया तो 396 गुणे क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे, और इससे डिवाइड करेंगे 36 आप डिवाइड कर देंगे, 12 3 36 3 9 3 9 6 आ गया दोस्तों 132, देखिए कितना इजी तरीका से आ गया। इसको हम देखते हैं इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक सब सॉल्व करें ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करें, तो ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे दोस्तों, दो संख्या गुणनफल दिया उसको ऊपर रख दीजिए, और जो संख्या दिया है मान लीजिए दो संख्या गुणनफल एक तरफ होता है लसा गुणे मसा, अगर दो संख्या में से एक संख्या दिया दूसरी संख्या पूछ रहा है तो जो संख्या दे रहा है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, अगर मसा दिया है लसा पूछ रहा है तो उससे जो दिया है उसी संख्या से दो संख्या गुणनफल दे दिया तो उसे डिवाइड कर देते हैं, इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें आपका दिया है मसा, मसा से डिवाइड कर दीजिए 200, जो 200 मान आएगा यही हो जाएगा लसा,
योग दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखते हैं, टिक ना सेकेंड क्या कर रहा है, टिक ना सेकेंड कर रहा है दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी तथा डी से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष एक बचे, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अगर एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ट्रिक बताए उस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। जितना मैं ट्रिक बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, तो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह देते छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष बचे, तो संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी से अभीष्ट संख्या, आप भी देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या होगी दोस्तों, अभीष्ट संख्या आपकी हो जाएगी ए बी सी और डी का क्या निकालेंगे दोस्तों, ए बी सी और डी का आप निकालेंगे एलसीएम और इसमें प्लस क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, यही आपकी फार्मूला बन गई। तो ठीक रहा, सेकेंड का आपका फार्मूला बन गया। अगर दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष क्या हो, यक्ष बचे, तो अभीष्ट संख्या क्या होगी, तो छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या होंगी दोस्तों ए बी सी और डी का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो शेष दिया था उसको प्लस कर देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा एक रहे, एसएससी का एक क्वेश्चन है दोस्तों, एस एस सी एम टी एस में पूछा हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा एक बचे, तो क्या करेंगे दोस्तों, 8, 9, 15 तथा 12 को क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल दीजिए। तो 8, 9, 15 और 12 का आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम निकालेंगे। 8, 9, 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, करेंगे इसका, इसका कर देंगे 3 × 3, इसका कर देंगे 2×2 = 4, 2 × 2 = 6, 2×2 = 4 और 3 हो जाएगा। इसका आप जब करेंगे गुणनखंड हो जाएगा 3×5 = 15। देखेंगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 2 का क्यू लिख दीजिए, इसको 2 का क्या, यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं, तो इसका 2 का क्यू लिख दिए, 2 का क्यू लिख दिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए, 2² × 3 कर दिए, 3× 5 कर दिए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू ले लीजिए, इसमें 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लीजिए, अब क्या बचा दोस्तों, 1 5 बचा, 5 ले लीजिए। तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यू 8 हो जाएगा और × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 8×5 = 40 हो जाएगा और 4×9 = 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। तो आपका 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम आ गया 360। अब हम क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करना छोटी से छोटी संख्या, तो अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या हो जाएगी 360 और यक्स क्या दिया है दोस्तों, शेष या 1 दिया है, जिसमें आप 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 361। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दिमाग से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, आप हम 2 लिखे हैं दोस्तों, 2 × 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, इतना तो कर लिए एलसीएम ज्ञात कर लिए। इसको दिमाग से आप कैसे सॉल्व करेंगे, छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा एक रहे, तो इसको दिमाग से क्या करेंगे, 8, 9, 15 और 12 को ठीक बताएं एलसीएम कैसे निकाले, तो उस ठीक से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा और क्या करेंगे उसमें एक जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा। दिमाग से इसको बहुत ईजी तरीके से ठीक से द्वारा सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के बाद देख ले, समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, हमसे नहीं जुड़े हो, तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। और तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमकदार ट्रिक के साथ, जो इंपॉर्टेंट हो, हर एग्जाम में आता हो, बस इंपॉर्टेंट ट्रिक हो, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता हो और सॉल्व हो जाता हो। तब तक बने रहिए भीके स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ।